एक्चुअली ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम। मैम कल का थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए, कल मैं नहीं थी। कल का रिवीजन? यूट्यूब पे होगा ना मैम? हाँ जी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. मैम एक दो आप सम हाँ, करवा दीजिए, ज्यादा नहीं। उसके लिए फिर आपको 1 मिनट वेट करना होगा. कल हमने बता दीजिए, कोई भी एक बार बताइए क्या क्या पढ़ा था कल. निगम जी, कल हमने कैलेंडर पढ़ा और थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का भी देखा था। उसके बाद कैलेंडर के कुछ सम्स किए थे, तो हाँ जी, मुझे लगता है आज रिपीट करने से तो पहले ही लेट हो चुका है क्लास स्टार्ट होने को। तो जिनका मिस होगा वो यूट्यूब पे पूरा क्लास देख सकते हैं। आप लोग का, या तो आप YouTube पे देख लीजिएगा. अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज वैसे ही हम हाँ, क्लास लेट हो चुके हैं. क्योंकि बाकी सभी लोगों का फिर टाइम जाता है ना, हाँ इसलिए। जी, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम बता देंगे. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है पूनम मैम? हाँ जी, तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन को समझने से पहले, इससे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे. कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जिनके बेस पे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट, आप हमें, वैसे तो जैसे हमारे रिलेशंस होते हैं उन के बारे में पता ही है सबको. बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें थोड़ा सा कम आइडिया होता है, तो आप लोग एक एक बार उनको जब रिविजन करेंगे वो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी. अब देखिए, कुछ सिंबल्स के थ्रू हम कुछ कुछ चीजों को आपको बताएंगे. आप लोग उन्हें इस तरीके से याद रखेंगे. अगर किसी ने भी कोई और तरीके से अपने पहले से कुछ प्रिपरेशन कर रखी है तो आप लोग उसे भी याद रख सकते हैं. जैसे देखिए, अगर हम कहीं पर मेल, एक सेकेंड मार्क कर ले लेते हम. देखिए, अगर हम कहीं पर मेल मेल के बारे को बोलेंगे, मेल का नाम लेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे ये इस सिंबल को यूज करेंगे. जैसे हम कहीं पर भी नाम ले रहे हैं, राहुल, अमन या कुछ भी नाम बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसको. जैसे हमने बोला राहुल, तो इस तरीके से. ठीक है, अगर हम कहीं पर गर्ल्स के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, फीमेल यानी कि, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे. तो ये छोटे छोटे सिंबल्स क्या है, अगर इनको हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस को बनाने में जो आसानी हो जाती है. ठीक है, ये समझ में आया सबको कि मेल के लिए हम स्क्वायर का यूज करेंगे, वर्ग, और फीमेल्स के लिए हम ये गोल बनाएंगे, सर्कल का यूज करेंगे. अब देखिए, अगर हमें रिलेशन बताना है, जैसे मेल एंड फीमेल, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या किसका रिलेशन है. अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ है तो हम क्या करेंगे, डबल लाइन. ठीक है, इस तरीके से बताएंगे. जहां पर भी हम डबल लाइन को यूज करेंगे तो हम देखते ही समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ. अगर हम कहीं पर बहन और भाई, ये हमारी, ये लड़का हो गया है भाई और ये हो गई है बहन, लड़की. अगर इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक सिंगल लाइन से बताएंगे. इसके बाद आता है, अगर हमें कहीं पर
मतलब पिता बेटा या फिर माँ बेटी इन सब का रिलेशन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे खड़ी लाइन से, ये हो गया हमारे पिता और ये इसके हो गए हैं बेटा, इस तरीके से। ये समझ में आया सबको? इन सब चीजों को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। में जो मैम मैम आपने दिए वो हैं लाइन ऊपर में, वर्टिकल डालनी है या हॉरिजॉन्टल डालनी है? वर्टिकली डालना है क्या? जो मतलब बहन और भाई वाली बात आएगी उसमें आप इस तरीके से पढ़ी लाइन ये, और जब माँ बेटे की बात आएगी तो आपको इस तरीके से खड़ी लाइन, ठीक है? ये समझ में आया सबको? इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? बताइए। नो मैम, ओके, अगर आप देखिए छोटी छोटी चीजें, अगर हम बहन बहन की बात करें, मीरा रीना की बहन है, तो हम क्या लाइन बनाएंगे इसके साथ? इनके ऊपर दोनों की साइड आ जाएगा गोला और दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन, तो ये पता चल रहा है ना ये की ऐसी बहन है। अगर हम भाई भाई की बात करते हैं तो हम इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे और इनके बीच में एक सिंगल लाइन। अगर हम भाई एंड बहन की बात करते हैं तो एक ये स्क्वायर एक गोला बनाएंगे और ये सिंगल लाइन, इस तरीके से। अगर हम यहीं पर ही पिता और बेटे की बात करते हैं तो ये पिता हो गया है और ये नीचे की साइड जाएंगे तो इसका बेटा हो गया है। अब क्या आपको क्या करना है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी ना, तो बड़े हमेशा क्या होते हैं ब्लड रिलेशन में, बड़ों को हम ऊपर ही रखेंगे। जैसे ये पिता को बनाएंगे हम यहाँ पे, तो पिता हमेशा ऊपर रहेंगे और बेटा उसके नीचे की साइड जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? और तो कुछ नहीं छूटा, बस ये था। ये समझ में आ गया सबको? अब आप देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं। अब आप इसको देखिए, स्टार्टिंग से ये फर्स्ट लिखा है कि पी पति है क्यू का, यानी कि पी जो है वो क्या हो गया है मेल, तो पी को हम किस तरीके से लिखेंगे? ये पी ऐसे। अब पी पति है क्यू का, तो क्यू क्या हो गई है, सॉरी ये डबल लाइन आएगी, और ये क्यू ये फीमेल है, तो ये कैसे आ गया हमारा गोल? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए नेक्स्ट वाली लाइन में क्या बोलते हैं ये, कि आर माता है सी तथा क्यू की। आर जो है वो माता है किसकी? क्यू की। तो माता है तो हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से आर को। ये हमारा हो गया है आर। अब इन्होंने बोला है क्यू तथा आर जो माता है वो किसकी है? क्यू तथा एस की। तो यानी कि आर का एक बच्चा और है, वो क्या है? एस। ये अब इन्होंने नहीं बताया, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है हमें कि एस लड़की है या लड़का है, तो एस को आप बाद में देखिएगा। अगर इससे कोई हमारे क्वेश्चन का कोई मतलब बन रहा होगा तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा। अब आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए कि आर से पी का क्या संबंध है। अब आपको बताना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये बताइए आर का पी से क्या रिलेशन है? मदर इन लॉ। यस, समझ में आया सबको? पी जो आर है वो पी का क्या लगती है? सास। क्योंकि ये देखिए पी की ये वाइफ हो गई है, वाइफ की माँ क्या होती है? सास होती है ना, तो ये इसकी क्या हो गई है? सास हो गई है। ये समझ में आया सबको या इसको फिर से रिपीट करना है? बताइए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर क्लियर है मैम। है? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि दया का भाई अनिल है, यानी कि दो भाई भाई हैं, यहां से समझ में आ रहा है? ये नीचे की साइड बनाएंगे हम दया, लड़का है तो ये आ गया सिंगल लाइन, अनिल
कौन है इसका भाई है, तो ये भी आ गया हमारा डिब्बे के अंदर। अब आप देखिए नेक्स्ट अगली लाइन में क्या बोलता है कि दया चंदा का पुत्र है, यानी कि दया जो है ये पुत्र है चंदा का, तो यानी कि इसका मतलब ऊपर की साइड जाएंगे हम सी। ये अब अक्से अगली लाइन में बोलते हैं विमान चंदा के पिता हैं, यानी कि चंदा के भी पिता हैं, विमान जो है उसके ऊपर जाएंगे, ये चंदा के पिता हैं बी। ये अब इसके बाद बोलते हैं रिश्ते में अनिल, अनिल जो ये था ये विमान से का क्या लगता है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। बताइए किसी को कुछ समझ में आया इसमें? देखिए ये अनिल के ये अनिल जो के कवि है नाना जिसके, लगे, हाँ के नाना लगे, अनिल के अनिल, नाना। हाँ जी अनिल जो, सॉरी अनिल का डी क्या हो गया है, ये इसके भाई हो गए हैं, और ये कौन है, भाई के पापा है, सॉरी सॉरी नाना नहीं लगेंगे, ये सी पिता है ये भी। दादाजी हाँ जी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए रुकिए, देखिए मैम क्लियर कहाँ है, लेकिन वो कौन है? जी एक सेकंड रुकिए, फिर से बनाते, देखिए लास्ट में हम आते हैं अनिल, ये दया डी हो गया है और ये हो गया अनिल, ठीक है, ये दोनों कौन है, भाई भाई है लिखा है इन्होंने, भाई है। इसके बाद बोलते हैं कि दया दया चंदा के का पुत्र है, यानी कि दया के पिता कौन है, चंदा, ऊपर चले गए हैं ये सी। मैम बट ये क्लियर नहीं है ना, चंदा मेल फीमेल, चंदा नाम फीमेल अभी हो सकता है, तो ये फिर यहाँ पर जी मैडम लड़की हुई ना। दया का भी क्लियर नहीं है। एक सेकंड, दया चंदा का पुत्र है, हाँ जी ये, एक मिनट इसको रुक जाइए, जब पूरा सॉल्व करते हैं तो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद बोलते हैं विमान चंदा के पिता हैं, तो इसके ऊपर जाते हैं हम बी। आप इसे मान लीजिए अभी ऐसे, इस तरीके से मान लीजिए कि चलिए ये क्या होगा, ये मेल ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक आए, उसके बाद इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो आप क्या बोल रहे थे, नाना, नाना कैसे लग सकता है, या तो अगर फीमेल भी होगी तो ये इसकी क्या होगी, दादी होगी ना, क्योंकि ये भाई बहन है, ये इसके पापा हैं, पापा के पापा क्या होते हैं, अगर मम्मी दादी भी होगी तो दादी मैम लगेगी। हम लोग बोल रहे हैं चंदा जो है वो एक फीमेल है, सपोज चंदा के फादर विमान है, तो विमान अनिल के क्या लगे, नाना। ओके इसमें यहाँ बीच में कंफ्यूजन है, तो अब आप देखते हैं, मैं आपको इसके ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन में लिखा है दादा के भाई, या फिर पोत्र, या फिर दामाद, या फिर भाई। अब इस अगर इसके ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें फीमेल से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। अब आप इसको देख लीजिए, इसमें फीमेल वाली कोई बात नहीं है, तीनों मेल है, तो क्या रिलेशन बनेगा फिर? जो ऑप्शन है ना निगम जी, तो पौत्र होगा ना फिर, यानी हाँ पोता, यस, पोत्र होगा, तो ये इसके उसमें क्या हो गए, दादा नाना दादा, उन्होंने दिया ही नहीं है। हाँ तो दादा के क्या हो गया है, ये अनिल पोत्र हो गया है, यस, इसको ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है हमारे पास दादा के भाई, पोत्र, दामाद, या फिर भाई, इस तरीके से। अब समझ में आया? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट मैम मुझे कंफ्यूजन है, मतलब हाँ जी, हमको विमान का जेंडर क्लियर है कि वो मेल है, बट दया का और सी का क्लियर नहीं है कि कौन है ये लोग। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो मतलब डेटा इनसफिशिएंट नहीं होगा इसका आंसर। एक काम करते हैं, रुकिए इसको हम लोग एक बार फीमेल
बना के देख लेते हैं और उसके बाद ऑप्शन में देखते हैं कि उनमें से कोई भी ऑप्शन मैच करता है क्या। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। हमारे ऑप्शन में हमारे पास है दादा के भाई, पोत्र, दामाद या फिर भाई। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें से आप लोग अगर देखिए, अगर हम लोग किसको, दया को या इनको किसी को फीमेल बना के देखते हैं, तो ऑप्शन में कोई भी दादा सही। के भाई पोत्र और हाँ, दादा के भाई, पोत्र, दामाद एंड भाई। दामाद एंड भाई। ओके अब आप लोग एक बार देखिए इसको कि किसी भी तरीके से ये सेट बैठ रहा है कि इन सारे ऑप्शंस के हिसाब से। पोत्र बराबर है मैम, क्योंकि दया तो जेंट्स ही आएगा ना, क्योंकि दया का भाई अनिल है और दया चंद्रा का पुत्र है। दादा का पोत्र आएगा। हाँ, दादा का, क्योंकि लेडीज होती तो दया की, ऐसे कुछ तो भी आता ना, दया का भाई बोला है तो। देखा किसी ने निकाल के? पोत्र देखिए, यस, आएगा मैम, पोत्र आएगा मतलब। मेरे हिसाब से तो पोत्र सही है। अगर किसी को कोई भी जेंडर के हिसाब से कुछ लग रहा है तो आप ला एक बार देख निकाल के देखिए, और जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उससे मैच करके देखिए कि किस तरीके से वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि ऑप्शन भी मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को भी देखते हैं, क्योंकि उससे भी हमें बहुत आइडिया मिल जाता है। क्योंकि हमारे नाम जो दिए हुए होते हैं कुछ इसी तरीके से दिए होते हैं। मैम एक हाँ जी, कंडीशन हम दूसरा भी अपने ऊपर भी लेके कर सकते हैं, जैसे हमारे परिवार में हम दो भाई हैं, उनके पिता हमारे वो गए, ऐसे भी हम करेंगे तो हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, वो सबका जैसे जिसको इजी लगता हो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम लोग जब निकालते हैं तो बहुत, अगर चीजें ऐसे समझ नहीं आ रही होती तो खुद के रिलेशंस, खुद के परिवार पे वो चीज अप्लाई करके देखते हैं तो आंसर निकल जाता है। जी मैम, तो ऐसे जल्दी आ जाता है आंसर। हाँ जी, आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी कुछ चीजों की अपनी एक ट्रिक हो, एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से एक सीक्वेंस चलता है, वो उस तरीके से भी उसको आना चाहिए आपको। बाकी इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। मैम और निकाला चंद्रा कैसे? मेल हो या फीमेल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? इसमें निकाला किसी ने? मैटरनल और पैटरनल का कुछ ऑप्शन नहीं है तो पौत्री आएगा ना फिर तो मैम। हाँ वही तो। ठीक है, आगे चले। अब जी मैम, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकालिए। मैम सेकंड लाइन क्या है? एका डी बहन, वो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। ए और बी भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है ई की? आंसर क्वेश्चन इस प्रकार है। निकाला? मैम ये भी ग्रैंड दादी, जनरल दादी दादी आ रहा है, होती दादी, है, दादी 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 उसमें। दादी और पोती, हाँ, अब आप लोग पोती देखिए आएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग से कि एक कौन है, भाई और बहन, तो इसका मतलब भाई पहले लिखा है, तो ए क्या होगा? ए कौन हो गया? लड़का। ठीक है, मैम और इनके हम भाई और बहन वाला रिश्ता दिखाएंगे तो सिंगल लाइन बनाएंगे, वो भी पड़ी लाइन। बी हमारी क्या हो गई है? बहन यानी लड़की। बहन ठीक है, अब इन्होंने बोला है इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, सी पिता है ए के। सी कौन है? पिता है ए के। तो अब हम पिता इसके बनाएंगे, सी को तो ऊपर की साइड जाएंगे, ये सी हो गया है इस प्रकार। इसके बाद बोला है उन्होंने डी बहन है सी की, यानी कि सी की बहन कौन है? डी। ये भी कौन हो गई है? लड़की।
ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है, ई माँ है डी की, डी की माँ है तो हम उसके ऊपर जाएंगे ई। ये देखिए, ये भी कौन हो गई है, लड़की। अब हमें रिलेशन किसका बताना है, बी क्या लगती है ई की, ये जो बी है ये ई की क्या लगती है, आपको ये बताना है, बताइए। पोती मैम, पोती पोती आएगी जी, मैम, पोती पोती आएगी यार। मैम, हाँ जी बताइए, कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैम ये फर्स्ट वाली लाइन में लिखा ना ए और बी भाई बहन है, हाँ जी तो ये क्लियर है यहाँ पे के कौन भाई और कौन बहन है? वैसे उसमें देखिए, जो मैंने ये क्वेश्चंस को थोड़ा सो करके लिखा था, पर मैंने अपने अंदाजे से देखे, पहले भाई लिखा है तो भाई आ गया है। अगर मेनली कैसे लिखा था क्वेश्चन में, क्रम से, क्रम से का मतलब समझते हैं आप, क्रम से क्योंकि ठीक है। ए और बी भाई और बहन है, यानी कि ए भाई हो गया, बी बहन हो गई है, इस तरीके से लिखा था। ए और बी क्रम से भाई और बहन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा था। क्रम से का मतलब ही होता है कि क्रम से चल रहे हैं, ओके ओके ठीक है। सबको समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम, ऑप्शन बताओ इसके एक बार। फिर से रिपीट करना है तो बताइए, करें फिर से रिपीट इसको। देखिए, ए और बी भाई और बहन है, तो ए कौन हो गया है, भाई। ये देखिए, इस तरीके से दोनों भाई और बहन है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ी हुई लाइन से इसको दर्शाएंगे, और बी कौन है, बहन है, ये हो गया गोले के अंदर। उसके बाद बोला है इन्होंने, सी पिता है ए के, सी कौन है, ए के पिता है, तो हम ऊपर की साइड जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, बड़े हमेशा कहाँ रहते हैं, ऊपर की साइड, ठीक है। ये हो गया सी, ये पिता है तो इसलिए ये आ गए डिब्बे के अंदर। उसके बाद बोला है इन्होंने, डी बहन है सी की, जो डी है वो कौन है, सी की बहन है। बहन भाई का रिलेशन हम किस तरीके से दिखाते हैं, इस वाली पढ़ी हुई लाइन से, तो ये डी हो गई है सी की बहन, ये लड़की है तो इसलिए आ गई है गोल। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट वाली लाइन में बोला है कि ई माँ है डी की, तो डी की माँ है तो जाएंगे फिर से हम ऊपर, ये हो गया ई, और ये माँ है तो ये हो गया गोले के अंदर। अब हमें इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन ने मैं, कि बी क्या लगती है ई की, तो ई की क्या लगती है बी, ये बताना है हमें। ये नहीं पूछा कि बी की ई क्या है, यही पूछा गया है कि बी क्या लगती है ई की, यानी कि ई का क्या रिलेशन है बी के साथ, बी क्या लगती है उनकी रिश्ते में, तो क्या लगती है। अब आप इसको देखिए, यहां से ए और बी भाई और बहन हो गए, सी कौन हो गया उनका, पापा, ये कौन हो गई है उनकी, बताइए। डी क्या हो गई है बी की, बुआ बुआ, और बुआ क्या लगती है हमारी, दादी, और हम क्या लगते हैं दादी के, लड़की है दादी तो क्या लगेगी, पोती, और लड़का होता तो क्या लगता, पोती पोता, ठीक है, पोत्री पोत्री यस, पोत, पोत्री, ठीक है यहाँ तक। अब आप बताइए, अच्छा मुझे एक बार, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, बेटी बेटी, बहन बहन नहीं है नहीं मैम, बी का फादर सेंस डॉटर, नहीं फादर डॉटर, ना, यस, फादर और फादर, डॉटर होगा। क्या सी पूछा हमारा मैम सी के आपने? फादर है, मैंने बी का पूछा रिलेशन सी के साथ, यस, बी का रिलेशन आपको बताना है सी के साथ, तो बी बेटी हुई, यस बी यस, बी बेटी है सी बेटी की। अब बताइए बी का हुई रिलेशन सी के साथ, जी मैम। का रिलेशन आपको बताना है डी के साथ, कि बी क्या लगती है डी की। मैम आपका माइक म्यूट कर दीजिए, को आ रहा है। भतीजी, ठीक है, यस, भतीजी। अच्छा अब ये थोड़ा सा हम एक चीज और देखेंगे, जैसे यहाँ पे बुआ लिखा था, बुआ का, बुआ की ये लड़की क्या लगी, भतीजी, ठीक है। अगर यहीं पे मौसी होता तो क्या लगती,
सबकी भांजी। भतीजी। हाँ जी, तो आप लोग इन शब्द को भी याद करके रखना, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, बी का ए का ठीक था, अब आप लोग ये बताइए कि सी का और ई का क्या रिलेशन है। पुत्र बेटी का, माँ हाँ, पुत्र बेटी, बेटी माँ और बेटी पुत्र, का, माँ और बेटी बेटे का, पुत्र। यस, माँ और बेटी का। जब ये डी की माँ है तो ये सी की भी माँ होंगी, ठीक है। ओके, इसका मतलब सबको क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को पूछना पूछना हो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी कुछ भी वो हो तो पूछ सकते हो आप लोग। बाकी आप मैम लोग इसी तरीके से ठीक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और डायग्राम बनाने से यही होता है। जब हम डायग्राम बनाते हुए चलते हैं ना, तो क्वेश्चन में मैंने खुद देखा है ये, इससे कम टाइम लगता है, मैं जल्दी सॉल्व हो जाओ। बाकी हम अपने उससे भी निकाल सकते हैं, पर पेपर में इतना प्रेशर रहता है कि बहुत ज्यादा। पर डायग्राम ऐसे बनाते रहे चलते हैं और इनकी पहले से प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। अच्छा और बताइए आप लोग, जैसे ये हुआ, ये हो गई है वाइप, एक सेकंड चाहिए। ये वाइफ हो गई है, ये इनके भाई हो गए हैं, ठीक है, और ये इनके हस्बैंड हो गए हैं, ठीक है। अब इनका रिलेशन इनके साथ क्या होगा, बताइए क्या बोला जाएगा इसको। ये साला साला बोलते हैं या क्या बोलते हैं? साला, देवी हाँ साला, हाँ जी, साला जीजा रिश्ता है ब्रदर जिसका। इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हाँ जी, देखिए अब इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा सा यही फर्क पड़ जाता है। इंग्लिश में हाँ, हिंदी हम सब क्या कुछ करते सेम होगा, हैं, एक ही नाम से हाँ, सब कुछ हो जाएगा। तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब बाकी इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहीं से आप एक चीज और देखिए कि जैसे ये हमने बताया ये वाइफ का भाई था, अगर यहीं पे इसके अपोजिट हम चलते हैं, ये हो गया हस्बैंड और ये इनका भाई है, ठीक है, और ये हो गई है वाइफ। अब इनका बताइए इनके साथ क्या रिलेशन है। देर और देवर देवर भाभी, भाभी, देवर भाभी, यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है। अब तक तो जो भाई वाइफ का भाई था उसके साथ तो सेम रिश्ता था, अब यहाँ पे देखिए उम्र के हिसाब से अगर ये इनका बड़ा भाई है तो क्या लगेगा, जेठ लगेगा, जेठ। अगर ये इनका छोटा भाई है तो क्या लगेगा, देवर देवर। देवर। जी, इसका मतलब सबको आता है। और क्या इससे रिलेटेड, बस आप लोग इन्हीं सब सब चीजों की प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। और किसी को कोई कुछ पूछना हो, रुकिए, अच्छा एक क्वेश्चन और था हमारे पास, हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखिए आप लोग करिए इसको सोल्व। आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ, आ रही जी है। जी आ रही है। इसको सोल्व करिए।
पुत्र। बताइए अच्छा आपने कैसे डायग्राम बनाया इसका? मैंने डायग्राम नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली कर दिया है अच्छा ऐसे निकाल दिया है, जी मैम, ठीक है चलते हैं देखते हैं। अब आप क्योंकि लोग एक ही देखिए। पुत्री हमारी माँ ही हो गई। हाँ जी जैसे आपने दे रखा है क्वेश्चन में, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री हो गई, मतलब मेरी नानी की माँ जो है वो इकलौती है। ये देखिए यहाँ इन्होंने क्वेश्चन से लास्ट में क्या, इसका आंसर वो आएगा क्या, भतीजा मतलब भतीजा? हाँ देखिए चलिए हम निकालते हैं। अब आप लोग इसको देखिए, स्टार्टिंग से हम चलते हैं कि इन्होंने कहा है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सबसे पहले हम बनाएंगे आनंद, ये हमारा हो गया आनंद, ये लड़का है। अब इसकी मम्मी है तो ऊपर की साइड जाएंगे, ये ऐसे बना लेते हैं, मम्मी का नाम नहीं है तो हम लिख लेते हैं माता। अब इन्होंने बोला है इसके बाद कि विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि इसकी मम्मी होगी जो एम को हो? सर्कल करे करना पड़ेगा ना, एम तो माता है ना। यस सॉरी, तो ये इसकी मम्मी होगी, और ये किसकी मम्मी है? आनंद की, उसकी सॉरी विजय की। विजय हाँ जी विजय है, सॉरी ये विजय की। ये डायग्राम जो बना है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? की, मैम सॉरी विजय की माता है ना, तो विजय तो नीचे आएगा। विजय नीचे आएगा ना एम के साथ। हाँ जी बनाने में गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए फिर से आनंद हो गया, आनंद की मम्मी हो गई है, आनंद की मम्मी बोला है इन्होंने, ये हो गया है, और ये कौन हो गया है? इस विजयन का बेटा हो गया है। अब आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है, विजय और आनंद का। बताइए विजय, विजय जो है वो आनंद के मतलब आनंद विजय की क्या लगते हैं? इन दोनों का रिलेशन मैम इसका भाई भाई कैसे लग सकते हैं? अच्छा आप देखिए भाई नहीं मामा, होगा, मामा और भांजे, और भांजे आप क्या? मसेरा मसेरा बहन ऐसा। नहीं नहीं देखिए साफ दिखाई दे रहा है, दो जनरेशन की बात आ रही है, एक ये मम्मी हो गई एक ये हमारी। अच्छा आप खुद देखिए, ये हम हैं ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है ठीक है, और ये इनकी भी मम्मी है ठीक है, और ये कौन हो गया है? मम्मी का भाई क्या लगता है हमारा? मामा लग, मामा मामा ये हमारी नानी हो गई है, नानी का एक बेटा तो ये है, और ये मैं हूँ, और ये कौन होगा? मम्मी का भाई क्या लगेगा? मामा। समझ में आया किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम, मैम फिर से बनाना इसको, बता दीजिए अभी। आनंद की जो माता है हाँ जी विजय के माता की पुत्री है ना, हाँ जी फिर वो थर्ड रिलेशन में मतलब उसके ऊपर कैसे जाएगा, मतलब एम देखिए के ऊपर एम कैसे आएगा, एक बार फिर से समझाइए ना। फिर से देखिए, हमने इसको इसी तरीके से, मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया था तो उसी तरीके से बनाया है इसको। इन्होंने कहा है कि आनंद की माता, ठीक है ये आनंद है, ये हुआ, और इसकी माता हो गई है। अब इन्होंने बोला है कि विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि जो आनंद की माता है, इन्होंने इसमें समझ में आ रहा है सॉरी, ये लड़की इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी माता की बात और हो रही है ऊपर, जब इन्हें पुत्री बता दिया गया है तो यानी कि इसकी माता और है कोई, है ना ये गोल। अब इन्होंने कहा कि मेरे सॉरी आनंद की माता जो है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, ये अकेली पुत्री है पर ये पुत्र भी तो है इनका विजय, ये तो फिर विजय और वो माता जो है बीच की, वो दोनों भाई बहन आए ना मैम। हाँ ये बीच की माता और ये भाई बहन है, ये कह रहा है इन्होंने साफ इसमें बताया ना कि इकलौती पुत्री है, ये नहीं कहा कि इकलौता बच्चा है, पुत्री कहा है यानी कि बेटी इकलौती है ये, पर बेटा ये भी है। अगर बोलते कि इकलौता मतलब एक ही बच्चा है तो उसमें कंफ्यूजन होने वाली बात थी। इकलौती संतान हाँ अगर इकलौती संतान वो बोल देते तब हमें इसमें डाउट हो सकता था, पर उन्होंने बोला पुत्री है।
तो पुत्री का मतलब तो यह है कि अकेली बेटी है, बेटा भी तो हो सकता है। तो विजय उनका बेटा है इनका, और ये इनकी बेटी है, और ये इसकी क्या हो गई है, एक ही। अच्छा बताइए अब लोग, ए का इसके साथ क्या रिलेशन है, फर्स्ट वाली मम्मा के साथ और इसका लास्ट वाले का, ए का? ग्रैंड और ग्रैंड नानी नानी हाँ, हाँ, नानी जी। और ये इनका दोनों का क्या हो गया है, माँ बेटी का, और ये इन दोनों का क्या हो गया, वीएम का माँ बेटे का। तो इन दोनों के क्या हो गया है, मम्मी का भाई क्या होता है हमारा, मामा, है ना। भांजी आएगी ये और वी मामा आएगा लड़का भांजी ने, ये लड़का है, इन्होंने पहले ही बोला है आनंद। सॉरी सॉरी हाँ जी लड़का, तो ये क्या हो गया इसका भांजा। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो किसी को कोई यस डाउट मैम जी, अब आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, टाइमिंग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हम छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं अभी, कल इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप इसको सॉल्व, अब हमारी डायरेक्शन बताइए कितनी होती है। 10 वैसे तो 4 ही होती हैं पर वैसे 10 दिशाएं होती हैं मैम। पूर्व पश्चिम आप लोग अपनी जो नॉर्मल वाली दिशाएं हैं हम उसको ही लेते हैं, दक्षिण हमारी जो नॉर्मल दिशाएं होती है चार होती है। अब आप लोग इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि जब भी हम पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व हमारा किस साइड होएगा, राइट हैंड की साइड, ठीक है। ये उत्तर हमारा पश्चिम, इसके अपोजिट आ जाएगा ये। जब भी उत्तर की बात होगी तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की साइड, ठीक है। और जब हमारी दक्षिण की बात आएगी तब जाएंगे हम नीचे की साइड। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें मेन चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इन दिशाओं के साथ साथ हमें अपने लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट, इन सब का भी ध्यान रखना है। तो अब आप लोग देखिए कि अगर हम पूर्व की साइड चल रहे हैं तो हमारा राइट किस साइड होएगा, बताइए, ऊपर होगा या नीचे होगा। हम इस साइड चल रहे हैं दक्षिण नीचे नीचे की साइड, तो हमारा राइट ये हो जाएगा और हमारा लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो आप लोग एक काम कर, जब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो आपको क्या करना है, या तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जिन लोगों का इमेजिनेशन अच्छा होता है तो वो लोग इमेजिन करके भी अपने आप को इमेजिन कर लीजिए उस साइड में, तो भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी उस तरीके से समझ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कॉपी को घुमा लेते हैं जैसे हम लोग, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर हम उत्तर की साइड चल रहे हैं तो हमारा राइट किस साइड होएगा, इस साइड या फिर इस साइड, पूर्व की साइड पूर्व मतलब की साइड। साइड ये हमारा राइट लेफ्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, हाँ पश्चिम की लेफ्ट। साइड लेफ्ट हो जाएगा अब हम पश्चिम की साइड चल रहे हैं तो हमारा राइट कौन सा होएगा, ऊपर ऊपर, ऊपर की ओर और लेफ्ट हमारा हो जाएगा ये नीचे। नीचे राइट अब हम दक्षिण की साइड चलते हैं तो हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये की राइट साइड साइड, लेफ्ट हो जाएगा पूरा पश्चिम हाँ राइट इधर हो जाएगा पश्चिम की साइड, लेफ्ट हो जाएगा पूर्व की साइड। तो आप लोग इस तरीके से इसको कॉपी भी घुमा सकते हैं अपनी, अगर जिन लोगों को इमेजिनेशन करके समझ में आ जाता है तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे इन क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है वो इसी तरीके से हो जाती है कि हम लेफ्ट राइट पे नहीं ध्यान दे सकते, ध्यान नहीं दे पाते अच्छे से, तब तो हमारी गड़बड़ हो जाती है। अब आप लोग इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, याद करने वाली बात है, अब आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि अगर हम पूर्व की साइड चलते हैं तो हमारा राइट कहाँ होता है, ऊपर की साइड, और सॉरी लेफ्ट ऊपर होता है, राइट नीचे होता है, पश्चिम इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट है ना इसका, और ये उत्तर दक्षिण का बिल्कुल अपोजिट है। तो आप लोग इस चीज, इस तरीके से भी इन सब चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको, जी मैम यस मैम ओके। इसके क्वेश्चंस तो हम लोग कल करेंगे, बाकी अभी कोई क्लास है इसके बाद, याद नहीं है क्लास है अभी। 4 बजे से योग बस अच्छा योग वशिष्ठ की क्लास है, अच्छा अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट ओके। इसमें और क्या एक चीज क्वेश्चन है कर जो, लेते हैं हाँ जी
एक क्वेश्चन कर लेंगे तो भी हो जाएगा मुझे लगता है। मतलब मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। एक क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्शन मैम का। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्शन का। आप लोग ये बोलना चाह रहे हो, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर डायरेक्ट मैं इस पर ऐसे बुक से ही वो एक्सप्लेन करती हूँ, दिखाती हूँ आपको पीडीएफ, तो क्या होता है कि वो पूरा बोर्ड पे पूरा ही क्वेश्चन दिखाई दे पाता है। इसलिए मैंने ये सब चीजें हैंड रिटन लिखा था, ताकि हमारे पास क्वेश्चन भी हमें दिखाई दे जाए और हमें बोर्ड का भी स्पेस मिल जाए। तो अच्छा, आप लोग बताइए, और क्या छुट्टा अभी इसमें आपको बताने का? ये मैम हमें हमेशा समान ना रूप हमारा से जो, चार दिशा है, चार दिशा ही पढ़ना है। ऐसे आपने सर बता रहे थे 10 दिशा के बारे में, तो चार ही दिशा पढ़ना है हमें समान रूप से। हाँ जी, हमें इसमें चार ही दिशाओं का ज्यादा काम होता है। बाकी आपको तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको हो सकता है मतलब 10 दिशाओं का तो कोई रूल नहीं होता है वैसे, 10 दिशाओं वाली कोई बात नहीं आएगी इसमें। हमें चार ही दिशाओं को ध्यान रखना है, उसी से हमारा बन नॉर्थ जाता है। ईस्ट, नॉर्थ साउथ, या फिर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का भी पढ़ना पड़ सकता है ये। हाँ जी, उस तरीके के भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं जिस आप बोल रहे हो, ये भी होता है। अगर कोई होगा पेपर में, मैं तो निकाल के मैं आपको बताऊंगी कल उस तरीके का भी। मैम इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादातर वही आते हैं और वो हमेशा गलत हो जाते हैं हमसे। हाँ जी, वो बताएंगे हम आपको कल को उसको, और किस तरीके से आप लोग वो नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी सॉल्व करा जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा कल। बाकी आप लोग जो डायरेक्शन वाला मैंने बताया, इन सबको आप देख के आइएगा कल। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग कल क्वेश्चन सोल्व करेंगे सीधा। ओके, बाकी किसी को कोई पूछना हो, किसी कोई पिछली क्लास से या किसी से भी, तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हो, या कुछ बोलना हो तो भी बता भी सकते हैं। मैम कैलेंडर हो गया क्या? जी कैलेंडर हो गया क्या? कैलेंडर हाँ जी, कैलेंडर कल हो गया था। जी मैम। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मैम फिर से पूछ कैलेंडर से सकते हैं। संबंधित एक क्वेश्चन करवा दीजिए जब तक। कैलेंडर का आपको करना है, रुकिए फिर हम, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, वरना हम निकालते हैं तब तक। मैम कल का ही क्वेश्चन है क्या? मतलब बताओ क्या? कल का आज आज का रुकिए, दिन निकाल लेते हैं ना, आज का दिन। अभी तो टाइम हो गया ना, 4 बज आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किनकी आवाज है ये मुझे पता नहीं चल पाता कि किसका माइक ऑन हो रहा है। पूनम मैम 4 बज गए ना। अच्छा, 4 बज गए। पूनम मैम आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, आप एक हाँ बार मैम से रिजॉइन कर लीजिए तो आपकी आवाज आ जाएगी। मैम चार ठीक है, आप आज स्टॉप कर देते हैं अभी। हाँ जी ठीक है, 4 बजे मैम की क्लास है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।